हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3, फैक्टराइजेशन। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और टॉपिक है आपका, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे हम कॉमन फैक्टर की हेल्प से, राइट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 12x और वाई, राइट। देखिए इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, राइट। अब इसमें हम देखते हैं कि दोनों इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ पे कितना है, 12 है, राइट। अब ऐसा टेबल देखो जिसमें 9 भी आ जाए और 12 भी आ जाए, तो ऐसा टेबल कौन सा है हमारा, 3 है। 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमन, राइट। और अब देखिए x स्क्वायर है यहाँ पे कितना, x 1 है, तो y यहाँ पे y नहीं है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, y और कॉमन ले लो, क्लियर, सॉरी x और कॉमन ले लेंगे, राइट। तो बचा कितना, 3 जा 9 और x, क्योंकि 3 बाहर आ गया तो 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12, x कॉमन आ गया, y बच गया। ये आपका आंसर है जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर कोशिश करें करने की, ये भी फैक्टराइज है, फैक्टराइज 27 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 45 ए फोर और बी स्क्वायर, राइट। अब फिर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, देखिए 27 45, पहले ये देख लो। अब देखो एक टर्म ये होगी और दूसरी टर्म ये होगी, इन दोनों में कॉमन, सबसे पहले 27 45, ऐसा टेबल सर्च करिए जो 27 को भी काट दे और हाईएस्ट होना चाहिए वो, ठीक है। तो 9 ऐसा टेबल है, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45, राइट। तो 4 9 से 9 कॉमन ले सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ए रेस टू द पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो ए रेस टू द पावर 3 कॉमन आ सकता है, राइट। यहाँ पे रेस्ट ऑफ द पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2, तो बी रेस्ट ऑफ द पावर 2 कॉमन आ सकता है, राइट है। अब जो चीज़ें बची है इनको डिवाइड करने पर, 9 3 जा 27, 3 आ गया बाहर अंदर और कितना बचा, ए तो कंप्लीट हो गया हमारा, स्क्वायर है यहाँ पे, एक एक बी बच गया हमारा, क्योंकि यहाँ 3 थे, 3 में से 2 बाहर ले लिए, राइट। माइनस 9 5 जा 45, 5 आया, अब देखो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है बाहर, तो अंदर कितना बचेगा, ए बचेगा, एक बचेगा ना। नेक्स्ट स्क्वायर है तो बी आपका कॉमन आएगा, इसमें आगे कुछ नहीं बचेगा, ये आपका हो गया फैक्टराइज, राइट। वन चलो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं हम इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश करते हैं लेने की। देखिए फैक्टराइज क्या है, एक्स ए माइनस 5 प्लस वाई और यह आ जाएगा 5 माइनस ए, राइट। अब हम देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन एकदम फर्स्ट साइट में नजर नहीं आ रहा, मैं कॉमन क्या है इसमें, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे a माइनस 5 है, 5 माइनस है। अब इसको देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिख रहा है हमारा देखो 5 माइनस ए, राइट। तो अगर मैं इसको लिख दूँ माइनस ए और प्लस 5 और बाहर माइनस कॉमन ले से लेकर 5 माइनस ए कर लूँ, कोई दिक्कत, राइट। तो इसको ऐसे करेंगे हम, x इंटू ए माइनस 5 प्लस y, अब ब्रैकेट लगाएंगे पहले, माइनस a माइनस 5, ऐसे कर लेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। अब x फिर कॉमन है हमारा a माइनस 5, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस y और a माइनस 5। अब आप देखो दो टर्म है यहाँ पे, अब बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि a माइनस 5 यहाँ पे भी, a माइनस 5 यहाँ पे भी, तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं a माइनस 5, तो बचे क्या, x माइनस y, दिस विल बी योर कंप्लीट फैक्टराइजेशन। वन मोर क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और एक्स प्लस वाई, राइट। फैक्टराइज करना है अभी हमें, राइट है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3
एक्स स्क्वायर वाई और एक्स प्लस, अब सबसे पहले टर्म देखो कितनी है, एक टर्म और दो टर्म, राइट। हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है फर्स्ट साइड में, एक्स इसमें भी है इसमें भी, चलो जी कॉमन ले लीजिए, राइट। यहाँ पे कितना एक्स प्लस वाई क्यूब है और यहाँ पे कितना है वन है, तो क्या कॉमन लेंगे एक्स प्लस वाई, राइट। बचेगा क्या यहाँ पे एक्स प्लस, क्योंकि एक तो बाहर है तो थ्री, तो यहाँ पे कितने बच गए टू बच गए, माइनस थ्री, इसको एक्स हमारा यहाँ कॉमन आ गया तो स्क्वायर है तो एक्स बच गया यहाँ पे और वाई, राइट है यहाँ पे ईआर। इसको थोड़ा सा और आगे चेंज कर सकते हैं हम क्या कि एक्स और एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है ना फॉर्मूला। तब यहाँ पे इस फॉर्मूला को हमने ओपन कर दिया क्या कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई, राइट है। ये फॉर्मूला ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फॉर्मूला ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे टू एक्स वाई है, यहाँ पे थ्री एक्स वाई है, तो कितना बचेगा माइनस एक्स वाई। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आज होम असाइनमेंट में वो आपको कंप्लीटली होमवर्क में सोल्व करना है।